दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एबी लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक से एयरटेल थैंक्स ऐप से लोन कैसे लिया जाता है और कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो पास में बेल आइकन है उसको भी दबा लें। तो चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें अपने अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के थैंक्स ऐप में आ जाना है। इसमें आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है एयरटेल पेमेंट बैंक का, नहीं है तो दूसरा भी लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आपका अकाउंट का बैलेंस भी दिखाएगा, अकाउंट की सारी डिटेल भी दिखाएगा, माई अकाउंट डिटेल वगैरह। यहाँ से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो दोस्तों आपको फिर कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक दिखेगा थ्री डॉट का ऑप्शन, मोर का ऑप्शन, यहाँ पर नीचे कॉन में साइड में ऑफर के बराबर मोर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस है, यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पेमेंट सर्विस है, यहाँ यूपीआई सर्विस है, यहाँ बाई सर्विस है, यहाँ ट्रेवल सर्विस है, यहाँ इंडिया फाइट कोरोना की सर्विस है और ये हमारी अकाउंट की डिटेल वगैरह हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको फाइनेंशियल सर्विस पे ही रहने देना है ऊपर। और आपको यहाँ पर न्यू गेट लोन लिख रहा होगा और न्यू भी लिख रहा होगा, पेंशन के बराबर गेट लोन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने लोन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर होम लोन, गोल्ड लोन, लोन एजेंटीज, प्रॉपर्टी लोन, आफ्टर हाउसिंग लोन यानी हाउसिंग लोन। तो दोस्तों आपको कौन सा लोन लेना है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर गोल्ड लोन पर क्लिक कर देते हैं। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसा पेज शो होगा, यहाँ पर आपको लोन का अमाउंट डालना है जितना भी, यहाँ पर 1 लाख डाल देते हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट लोन टर्म, कितने साल के लेने चाहते हैं, 5 साल या 4 साल, 3 साल। और आपको यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम डाल देनी है, कितनी है आपकी एनुअल इनकम। और आपको यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर व्यू लोन पर क्लिक कर देना है। व्यू लोन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने हमारी एलिजिबिलिटी आ गई है, 5 ईयर के लिए लोन है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको लोन एलिजिबल नहीं होगा तो सॉरी नॉन ऑफ पार्टिकल करेंटली सर्वर योर रिक्वायरमेंट, विजिट बैंक द लेटर। दोस्तों यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ईएमआई आपकी 21,049 बनेगी। यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा, इंटरेस्ट दिखाएगा कि कितने परसेंट पर आपको लोन मिलेगा पर साल के लिए और कितना मिलेगा। दोस्तों आपको यहाँ कोटक वाले पर क्लिक कर दें चाहे नीचे वाले पर, फिर हम यहाँ पर कोटक वाले पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे एरिया में ये अभी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हमें नहीं मिलेगा, और आपके एरिया में अवेलेबल होगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप दोस्तों लोन ले सकते हैं। और दोस्तों हम और भी लोन पर क्लिक करके दिखाते हैं, होम लोन पर क्लिक करके दिखाते हैं। यहाँ पर लोन अमाउंट अपना 10,000 डाल देते हैं, फिर यहाँ पर 1 लाख ही होगा दोस्तों अप्लाई, 10,000 नहीं होगा। फिर आपको यहाँ साल सेलेक्ट कर लेनी, कितने साल के लिए एनुअल इनकम, और फिर आपको व्यू लोन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमें ये भी अवेलेबल नहीं है, वैसे तो यहाँ पर हमारा एरिया ग्रामीण एरिया इसलिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप सिटी से होंगे, टाउन या गांव से नहीं होंगे, सिटी से होंगे तो आपको यहाँ पर 100% लोन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।